मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में उज्जैन पुलिस और खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली हींग के कारोबार का पर्दाफाश कर मौके से तकरीबन 585 किलो हींग सहित अन्य सामग्री बरामद की। दरअसल कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उज्जैन के दानी गेट स्थित भावसार नमकीन पर नकली हींग से नमकीन बनाने के साथ बड़े स्तर पर नकली हींग का कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए मौके से लगभग 585 किलोग्राम हींग और अन्य सामग्री, जिसका अनुमानित मूल्य 14 लाख रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। पुलिस की जाँच में सामने आया कि अनिल भावसार की सियागंज इंदौर में श्री महाकाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म थी, जहां से हींग की ट्रेडिंग की जाती है। साथ ही अनिल भावसार के पास उज्जैन का खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया। उज्जैन पुलिस के द्वारा, और इसमें एक अभी एंटी माफिया ड्राइव चालू है, और इसके अंतर्गत कई ऐसे फूड एडल्ट्रेशन के प्रोडक्ट्स जो बड़ी मात्रा में कॉमर्शियल क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए काफ़ी इंजूरियस हैं या हानिकारक हैं, आज इसी क्रम में एक सूचना मिली थी। इसमें सीएसपी कोतवाली हमारे हैं, उनको एक बहुत ही पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि ये जो दानी गेट के पास में भावसार नमकीन है, वहाँ पर एडल्ट्रेटेड फूड का निर्माण और विक्रय होता है। जब इस सूचना पर कार्रवाई की गई तो मौके पर बड़ी मात्रा में, बड़ी जो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी है, इसके भी वेइंग वगैरह की जा रही है, और इसमें हींग मिली है। हींग के साथ में अन्य कोई मसाले भी हो सकते हैं, और इसमें कई फॉर्म, पाउडर, कंपाउंड फॉर्म, लिक्विड, तमाम चीज़ें और भी मिली हैं। मौके पर ये देख करके, मौके पर एक फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसको भी बुलाया गया है, और यहाँ उनके द्वारा भी सैंपलिंग की जा रही है, और इसमें जो भी सैंपलिंग और इनके पश्चात और जो लाइसेंस वगैरह वो भी चेक किया गया है, और इसमें फूड और अन्य जो सेक्शंस हैं उनके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी इसमें बेइंग चल रही है, लेकिन बड़ी मात्रा है। एक्चुअल ब्लाइ बेइंग अभी हो जाएगी तो उसमें आप बताया जाएगा, लेकिन इसमें सैंपलिंग और वेइंग की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि हींग में गोंद और स्टार्च मिलाकर नकली हींग तैयार की जाती थी, जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।